हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक कलेक्शन चैनल। कैसे हो सब? आई बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ मीशो से हेयर एक्सटेंशन, वो भी बहुत ही प्यारे और क्लचर वाले लेकर आई हूँ इस बार, ना कि क्लिप वाले लेकर आई हूँ, क्लचर वाले लेकर आई हूँ नए ट्रिक से। और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करना, फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दिखाती हूँ मैं कैसे, तो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैंने कहाँ से खरीदा है वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगी, और कितने का खरीदा वो भी स्क्रीन शॉट लगा दूंगी। मैंने खरीदे हैं मीशो से, तो बहुत ही सस्ते खरीदे हैं, तो ये देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा पैकेजिंग है, जैसे कि ये गत्ते ही पैकेजिंग में आया, आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो मैंने ले ली है कांची और इसी हम मर्डर करते हैं, यानी मतलब तो मैंने इसका कर दिया है मर्डर। तो कुछ पैकेजिंग कुछ खास नहीं है, अच्छी आई है मेरे ख्याल से। बाकी हम जो जिसके लिए क्वालिटी मंगवाई है, जिस जो चीज़ मंगवाया है वो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। ये मैंने मंगवाया है ब्राउन शेड में, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आया है। और ये पैकेजिंग इनकी ऐसी है, तो इसको करते हैं, ये रहा क्लचर। वाओ, लेंथ तो बहुत काफ़ी है, ये लेंथ तो काफ़ी बहुत बड़ी दी हुई है इन्होंने। और मैंने मंगवाए हैं ब्राउन शेड में, तो लेंथ काफ़ी बहुत अच्छी है इसकी। बाकी काम करते हैं इसमें, फिर से पहले मैं इसमें काम कर लेती हूँ। तो मैंने ले ली है वही बड़े दांतों वाली कंघी, तो अब देख सकते हैं। पहले मैं इसमें नीचे से स्टार्ट करूँगी, तो ऐसे ही करते करते मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और इसमें क्या है, हाईलाइट है यार, ये देखो हाईलाइट वाले हैं ये। ना मैं ऐसे ना पहले शादी से पहले लगाती थी और बहुत अच्छे थे, वो कर्ल में थे, वो मैंने शॉप से खरीदे थे सेक्टर 22 से, चंडीगढ़ 22 से खरीदे थे, ठीक है। ये अभी मैंने ऑनलाइन मंगाए मीशो से, तो ये भी बहुत सस्ते हैं, ये 200 समथिंग के हैं, 200। मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी, मुझे याद नहीं है क्यों, काफ़ी टाइम हो गया था ऑर्डर किए हुए, तो बहुत लेट आया मेरे को, कम से कम ये आया है 6-7 दिन में, तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि और भी ऑर्डर मैंने करे थे, तो इसलिए। तो सिंथेटिक है, तो इसको मैं लगाने जा रही हूँ, कैसे लगाना है मेरी तो बोलती बंद हो गई है। देख के बहुत ही प्यारे आए हैं ये वाले हेयर एक्सटेंशन, और मेरे बालों के साथ बिल्कुल मैच हो रहे हैं, देख सकते हैं मेरे बालों के साथ मैच हो रहे हैं। और क्या है, कैसे लगाते हैं वो आपसे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बालों को कॉम कर लूँगी। कॉम क्या, सबसे पहले आपको अपने बालों में सिंपल कॉम करना है, और यहाँ पे बना लूँगी पोनी। आप फ्रंट से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, तो मैंने बना ली है पोनी। और यहाँ पे लगा लूंगी मैं रबड़, तो यहाँ पे लगा लूंगी ये वाली रबड़। तो सिंपल टाइट रबड़ लगा ली है, तो अब इसमें मैं अटैच करूँगी इसको, जैसे देख सकते हैं सिंपल और टाइट पोनी लगा कर ली है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं फैशन कर लूँ मैं अपनी, और अब मैं ये क्लचर लगा के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ लगा के दिखाऊंगी ना, तो प्रॉपर आपको दिखेगा नहीं, मैं खड़े होकर आपको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको लगा के दिखाती हूँ मैं, और मैं पीछे टर्न हो जाती हूँ। सिंपल बस ये क्लचर है जो क्लचर को पकड़ना है, और अपने बालों में से चाहे थोड़े बाल निकाल लेने हैं यहाँ से ऐसे करके, और इसको बीचों बीच में लगा लेना है अच्छी तरह। ये है ना अपने वाले, तो इसको टर्न आउट करूँगी, इसके चारों तरफ लगा लूँगी, और पता भी नहीं लगेगा कि आपने हेयर एक्सटेंशन के बीच लगाया है। और इसको अच्छी तरह में बॉबी पिन या यू पिन से स्क्वायर कर लेंगे। देख सकते हैं ये मैंने लगा लिया है, और इसकी लेंथ देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी लंबी है। और कुछ क्लचर है यहाँ से जो कि दिख रहा है यहाँ पर, तो आप अगर इसमें खुश हैं तो ठीक है, नहीं तो
आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर गजरा लगा सकते हैं या कोई एक्सेसरी लगा ले तो आप दिखेगा नहीं, बाकी ये लगा ले। आगे करके दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ईद।